अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे मैं अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आप लोगों को अफगानी शलवार जो है उसकी जस्ट स्टिचिंग, नीचे से प्लेट उसको कैसे डालते हैं और नीचे जो है वो कफ पट्टी जो है वो कैसे लगाते हैं, उसी तरीके से जो है वो हम बाजू भी तैयार कर सकते हैं वो बताऊँगी। तो ये चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। साथ साथ जो है वो मिला के आप लोगों ने प्लेट जो है वो डालते जाना है। प्लेट जो है वो हमारे डल गए हैं, ये लाइनिंग वाली है तो इसके नीचे जब प्लेट डाल के फिर जो है वो लाइनिंग साथ में अटैच करेंगे। लाइनिंग हमारी साथ अटैच हो गई है, ये छोटी बच्ची का है तो जो मुझे तैयार जो है वो पाँच चाहिए, इसलिए मैंने इसकी नीचे से जो है वो लंबाई जो है वो मैंने ली है 11 इंच। तो ये नीचे जो हमने कफ लगाना है इसकी चौड़ाई जो है वो डबल करके जो है वो 3 है और इसकी लंबाई जो है वो भी करीबन 11.5 इंच जो है वो लेंगे। उल्टी साइड की तरफ रख के उस कपड़े को जो है वो सिलाई लगाना शुरू करते हैं। सिलाई लग गई हमारी और अब इसको ऊपर जो है वो डबल करके जो है वो लगा लेंगे सिलाई। आप लोगों को मेरा काम अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का दबाना मत भूलिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप काइंडली सपोर्ट करें। ये पट्टी जो है वो लगी है, अब हमने इसके ऊपर जो है वो ट्राइंगल जो है वो गोटी है उसका इस्तेमाल करना है, कि कोई भी लैस जो है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फैंसी लैस का। इसमें जो है वो सीधी पट्टी वाला जो है वो गोटा वो भी लगाएंगे, एक एक उसकी लाइन और एक एक जो है वो उसकी लाइन लगाते जाएंगे। इसी तरह सारी पट्टी को जो है इसी तरीके से लगा के सारी कवर कर लेनी है पट्टी। थोड़ा थोड़ा फासला देना है ताकि जो है वो नीचे से कपड़ा भी जो है वो नज़र आए। ये मेरे पास जो है कपड़े का साइड से फैंसी बॉर्डर जो है वो उतरा हुआ था, अब इसी बॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं। आप इस जगह पे कोई फैंसी लैस का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप लोगों के लिए ऑप्शन है। अगर आप लोगों के पास बॉर्डर नहीं है तो आप इसकी चीज़ की टेंशन ना लें, आप यहाँ पर फैंसी लैस इस्तेमाल कर लें। देखिए बन के जो है वो रेडी हो गया हमारा कप और इसको जो है वो सिलाई लगा लेनी। सिलाई लगा के इसको आप लोगों को पहन के जो है वो दिखाते हैं। बाजू में भी और कप स्लीव भी इसी तरीके से जो है वो तैयार कर सकते हैं, चुनट वाले बाजू और अफगानी शलवार जो है वो भी इस तरीके से जो है वो तैयार हो सकती है। इसकी कटिंग मैं आप लोगों को फिर किसी वीडियो में बताऊंगी। इसके साथ मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दिखते रहिए मेरा चैनल नूर क्रिएशंस, तो हमें याद रखिएगा।